कोई नहीं देखेगा, समझ रही है? कल तेरा एडमिशन होगा, सुन रही है? अरे और इस साल नीट नहीं करेगी तो, इस साल तो 11th और 12th का पढ़ेगी। कितना लोड नहीं डालना चाहता मैं, 11th और 12th पढ़ना है, सिर्फ 12th ज्यादा पढ़ना है, 11th हल्का हल्का पढ़ना है जो ना समझ में आए, ठीक है? और जो अगले साल होगा एग्जाम के बाद, तब तेरा नीट का शुरू। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्लियरली आ रही आवाज में? और नजर आ रहा है आवाज क्लियर आ रही? और चीजें हो रही? ओके, तो आगे बात करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, आपको एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाना था, एनिमल किंगडम की जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, उस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सारी चीजें हो गई थी, मेटामेरिज्म, प्रोटोकॉड, सीनो, बहुत सी चीजें हो गई थी। एक आखिरी चीज रह गई थी समझाने वाली, और तो जो आपने जिस रह गई समझाने वाली है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। आइए सिमेट्री की बात। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग नोन एज सिमेट्री। अभी के सिमेट्री का बेसिस का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ये जो फिगर, मान लीजिए मैंने इस तरीके की कोई फिगर ड्रॉ करी, इस तरीके की फिगर, अगर मैं बोलूँ कि ये फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस फिगर को मैं दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकता हूँ, तो ये फिगर जो होगी वो क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल मतलब चारों डायरेक्शन में, मतलब कि जो एक के बाद एक रिपीट हो रही हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये भी सिमेट्रिकल है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, इसको मैं ऐसे पार्ट सकता हूँ दो पार्ट में, ऐसे पार्ट सकता हूँ दो पार्ट में, ऐसे पार्ट सकता हूँ, ऐसे पार्ट सकता हूँ, ठीक है ना? तो सिमेट्री मतलब कि अगर एक इमेज के या स्ट्रक्चर के दो बराबर बराबर हिस्से किए जा सके, तो हम उसको बोलते हैं कि दैट स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिक। अब एनिमल्स के अंदर सिमेट्री, अगर सिमेट्री एनिमल्स की बात की जाए, तो सिमेट्री एनिमल्स दो तरीके की होती है। ग्रुप नोन एज डेलियाटा एंड देयर इज अ ग्रुप नोन एज बायलैटरल। अब जो सिर्फ डेलियाटा के ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली रेडियली सिमेट्रिकल, कौन सी मिट्टी रेडियल सिमेट्रिकल। अब रेडियल सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि जैसे रेडिएशंस होती है ना चारों डायरेक्शन में रेडिएशन, उस तरीके की सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं कि कोई हाइड्रा, लेट्स से हाइड्रा, तो हाइड्रा को अगर हम काटना चाहें तो मान लेते हैं इसके बीच में से एक सेंट्रल एक्सिस पास कर रही। अब हम एक प्लेन अगर ऐसे पास करें, लाइक दिस, एक प्लेन अगर हम ऐसे पास करें तो हम इसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस, कैसे? ऐसे, राइट? ऐसे ही नहीं, अगर हम चाहें तो एक प्लेन अगर हम ऐसे पास करें, ऐसे के बजाय ऐसे प्लेन पास करें, तो भी इसे हम इक्वल हाफ डिवाइड कर सकते हैं, कैसे? लाइक दिस।
ओके तो ऐसे भी इक्वल हमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही नहीं, अगर हम इसमें क्रॉस सेक्शनली ऐसे प्लेन पास करें तो भी इक्वल हमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको किसी भी प्लेन के अंदर इक्वली हाफ डिवाइड में इक्वली हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ये समझाता हूं मैं। लेकिन इट इज मैटर इस जॉब होल्डर के जैसा है, इस एक्सप्लेन ध्यान समझेगा। Exactly एक स्टॉक होल्डर जैसे, देखिए ध्यान से, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से मान लो बीच में से एक धागा जा रहा है और वो धागा यहां से यहां निकाल दिया, तो वो हो गई इसकी सेंट्रल एक्सिस, जिसके अराउंड ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब मैं एक स्केल मेरे पास स्केल है यहाँ पे, नहीं चलो इसको इमेजिन कीजिए, अगर मैं एक स्केल लूं और इसको ऐसे काटूं लाइक दिस, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, राइट। तो इस प्लेन में हो गया, ऐसे लू लाइक दिस, देख रहे हैं ऐसे ऐसे लू तो भी इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। पूरा काटना है उसको सेंट्रल एक्सिस से पास करते हुए, तो ऐसे ऐसे कॉर्नर से लू तो भी, मतलब इनफाइनाइट प्लेन्स है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ाता जाऊं तो भी इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप एक बर्गर देख सकते हो, एक बर्गर है, बन बन बीच में वेजीज, गोल बर्गर है, उसको आप ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, कितने कितने भी एंगल्स पे काटते जाओ वो इक्वल हाफ ही आपको क्या क्या होगा देगा। तो ऐसे सिमेट्री को हम बुलाते हैं कि द रेडियल सिमेट्री, जैसे आपका बर्गर हो, सिंपलेस एग्जांपल आपका बर्गर, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री का सिंपलेस एग्जांपल लाइक से आपका ये इंसेक्ट है, मान लीजिए इंसेक्ट, अब इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम ऐसे ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन से, एक सिंगल प्लेन जो इसके सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा। देखिए प्लेन इंपॉर्टेंट है, लाइन ही बोलते हैं, लाइन तो 2D ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करने की होती है, जब 3D बोलते हैं प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके तो एक प्लेन सिंगल प्लेन इसको दो हाफ करेगा, एक हाफ हो जाएगा राइट हाफ और एक हाफ हो जाएगा लेफ्ट हाफ, तो एक राइट और एक लेफ्ट हाफ हो जाएगा। और कितनी प्लेन में सिमेट्री है, सिंगल प्लेन, और ये सिमेट्री कौन सी, रेडियल सिमेट्री, किसमें सिमेट्री मल्टीपल प्लेन, ठीक है। तो दो तरीके के एग्जांपल्स हमारे पास, सिंगल प्लेनर सिमेट्री एंड मल्टीपल प्लेनर सिमेट्री, दैट इज रेडियल सिमेट्री एंड दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। दोनों की डेफिनेशन सुन लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एनी प्लेन, व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis divides an organism into two equal halves, then I can see that that's symmetry to be the radial symmetry. Whereas when only one plane, only lateral plane passing through central axis divides an organism into right and left equal half, then I call it as bilateral symmetry. अब तीसरी डेफिनेशन सुनो, व्हेन नो प्लेन, व्हेन नो प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, या हाँ व्हेन नो प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स, देन इट इज नोन एज ए सिमेट्री, दैट इज नो सिमेट्री। जब कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होगा जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सके, दैट इज ए सिमेट्रिकल, कुछ ऑर्गेनिज्म ए सिमेट्रिकल भी होते हैं। डेफिनेशन को मैं ऐसे भी दे सकता हूं, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डज नॉट डिवाइड एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ, देन इट इज नोन एज ए सिमेट्री, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब एक और छोटा सा वेरिएशन है, और ये वाला वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अगला बताने जा रहा है ये आपको बहुत ही कम आपको मिलेगा कहीं पे भी बुक्स वगैरह में, और नाम मिलेगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, तो कोई ठीक से इसको समझाता नहीं। तो ये वाली सिमेट्री और सुन लीजिए, रेडियल सिमेट्री का ही एक दूसरी फॉर्म है,
ठीक है, दैट इज बाय कैडियल सिमेट्री, बाय कैडियल सिमेट्री। अब बाय कैडियल सिमेट्री में क्या होता है ये समझ लीजिए, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसको मैं समझा रहा हूँ अलग से। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के दो प्लेन्स होते हैं सिमेट्री, कौन कौन से प्लेन्स, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कोई भी एक्स्ट्रा जेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, तब मैं इसको ऐसे काटता हूं तो ये इसके इक्वल हाफ हो जाते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन में काटता हूं तो इक्वल हाफ नहीं होते, लेकिन ऐसे काटता हूं तो फिर इक्वल हाफ हो जाते। मतलब कौन कौन से प्लेन से सिमेट्रिक, एक तो आपने कैसे काटना है इसको, एक आपने ऐसे काटना है, ये आप से प्लेन पास करके ऐसे, समझ रहे हैं, आरी तो आपने ऐसे काट दिया तो इस डायरेक्शन में, ओके, एक आपने इस डायरेक्शन में काट दिया तो इक्वल हाफ हो गए, ठीक है, लेकिन पूरा प्लेन पास किया आपने, ठीक, ओके ओके। दूसरा आपने इसको कैसे काटना है, ऐसे लाइक दिस स्ट्रेट, मतलब ये आप एक प्लेन लीजिए, ये एक प्लेन लीजिए, इस तरीके से प्लेन लीजिए और इसको ऐसे नीचे ले, ठीक है, पहले आपने क्या किया था, आपने ऐसे एक ऐसे चाकू लिया था और इसको ऐसे काटा था तो इक्वल हो गया था, अब आपने चाकू ऐसे लिया ऐसे काटा तो इक्वल हो गया, इसके अलावा जब भी टेढ़ा कर रहे हो चाकू तो ये इक्वल आपने डिवाइड नहीं हो रहा, तब मैं सिमेट्री को क्या बोलाता हूँ, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, कौन सी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, क्लियर है पॉइंट। और इसमें सिमेट्री कितने प्लेन्स है, टू प्लेन्स है, टू प्लेन सिमेट्री, तो ये मल्टी प्लेन, ये टू प्लेन और ये सिंगल प्लेनर सिमेट्री। आइए बाइलेटरल सिमेट्री मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए, बाइलेटरल सिमेट्री से बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसा इमेजिन कीजिएगा, मान लीजिए आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना, एक मैं हूँ, लेट्स से मैं ये मैं ही हूँ, लेट्स अज्यूम मैं, ठीक है, और ये कोई दूसरा पर्सन है जो अगेन मैं ही हूँ, तो मेरी दो फोटो कॉपीज है, ठीक है, एक मैं और एक दूसरा मैं, और मैंने अपने आप को ऐसे पीठ से पीठ लगा के जोड़ लिया, ठीक है ना, ऐसे करके मैंने अपने आप को क्या रखा है, जोड़ रखा है, आ रही बात समझ में, तो आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, इमेजिन आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, मैं एक तो मैं ऐसे खड़ा, ठीक है, राइट, और एक मैं इस डायरेक्शन में ऐसे खड़ा, देख पा रहे हैं, ओके क्लियर, या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मैं सामने खड़ा ऐसे और एक पीठ से पीठ जोड़ के मैं ऐसे भी खड़ा, तो देयर आर टू मी, टू मरीज, और हम दोनों जो है पीठ से पीठ जोड़ के खड़े हैं, हमारी मेरी ही क्या है, फोटोकॉपी है, तो मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, पीठ से पीठ जोड़ के खड़े, ओके। अब आप क्या करोगे, अब आप इमेजिन करो ऐसे, अगर मैं ऐसे बीच से एक लाइन ड्रॉ करूं, मैं कैसे करूं, पीठ से पीठ जोड़ के, तो ये दोनों लोग अलग हो जाएंगे और ये दोनों हाफ इक्वल होंगे, मैं अलग हो जाऊंगा, ये एक मैं और ये दूसरा मैं, बोथ वुड बी इक्वल, अरे बस आपने, तो इस प्लेन में मैं क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इमेजिन करो कि आपने मुझे कैसे कट किया, आपने अब इसी पर्सन को ऐसे कट किया लाइक दिस, तो अब जो दो हाफ होंगे, आप समझिएगा, अब जो दो हाफ होंगे उसमें एक पार्ट में आधा मैं नजर आऊंगा, दूसरे में भी आधा मैं नजर आऊंगा, इस वाले में भी आधा मैं और आधा मैं, तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा, आ रही बात समझ में, क्लियर है, चलो वापस जोड़ देते, तो एक सिमेट्री का प्लेन ये हो गया, एक सिमेट्री का प्लेन ये हो गया, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन ये तो रेडियल सिमेट्री में भी होता है, लेकिन रेडियल सिमेट्री में इन दोनों के अलावा इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं पूरे के पूरे क्रॉस में, मतलब आप कितने मर्जी एंगल से काटते रहो बराबरी कटेगा, बर्गर जैसे, बाइलेटरल में और एंगल नहीं हो सकते, अब आप मुझे किसी और एंगल से काटने की कोशिश करो, मतलब दो मैं ऐसे जोड़े में, टू महेश लाइक दिस, अब आप दूसरे एंगल से काटने की कोशिश करो लाइक क्रॉस, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या इक्वल आप होंगे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे, आ रही बात समझ, तो सिमेट्री इन टू प्लेन्स इज बायरेडियल, सिमेट्री सिंगल प्लेन इज बायलेटरल, बायलेटरल और मल्टीपल प्लेन इज रेडियल, आपको बुक्स में दो ही मिलेंगी, एक रेडियल और एक बायलेटरल। अब थोड़ा सा एवोल्यूशन की ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, अब आपको बताया कि आपकी जो क्लासिफिकेशन है
वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, एवोल्यूशन के हिसाब से हुई है। तो जो पहले ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो पॉलीफेरा थे, और जो सबसे पहले सिमेट्री इवॉल्व हुई है वो रेडियल सिमेट्री इवॉल्व हुई है। तो पॉलीफेरा काफी सारे एसिमेट्रिकल है, एकाध पॉलीफेरा जैसे कि स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो है, स्पॉन्जिला कह रहा हूँ सॉरी साइकॉन SYC1 साइकॉन, साइकॉन जो स्पॉन्ज है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। बाकी मोस्टली स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे स्पॉन्जेस में रेडियल सिमेट्री आई एकाध दो ऑर्गेनिज्म में, और फिर अगला फाइलम क्या है, सिलेंड्रेट्स। तो सिलेंड्रेट्स में सिमेट्री कंटिन्यू हुई है, कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तो सिलेंड्रेट्स में रेडियल सिमेट्री है। फिर नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा, टीनोफोरा में भी कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री ही है, क्लियर। हाँ स्पेसिफिकली पूछेगा कोई कौन सी रेडियल सिमेट्री है, तो आप बोल सकते हो बाई रेडियल सिमेट्री है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी रेडियल ही बोलती है। तो यस बाई रेडियल भी एक रेडियल का टाइप है, तो वो कुछ गलत नहीं बोलती, करेक्ट। तो टीनोफोरा की रेडियल सिमेट्री है, स्पेसिफिकली कौन सी, बाई रेडियल। आगे बढ़ते हैं, फिर रेडियल सिमेट्री लॉस्ट हो गई, ठीक है ना। पहले सिमेट्री मल्टीपल प्लेन्स थी सिलेंड्रेट्स में, फिर दो प्लेन्स में आ गई टीनोफोरा में, फिर दो प्लेन से एक प्लेन की सिमेट्री रह गई किसमें, प्लैटी हेलमिंथस। तो प्लैटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डिट्स तक सबके अंदर जो सिमेट्री मिलेगी आपको कौन सी मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। इसकी वजह भी थी कि प्लैटी हेलमिंथस में ना हेड फॉर्मेशन हो गया था, सर बन गया था। अब जब सर बन जाता है तो पर्सन एक डायरेक्शन में जाता है, और जब एक डायरेक्शन में जाता है एक पर्सन, तो उसको बैलेंस करना होता है बॉडी को दोनों तरफ बराबर बराबर। तो अगर मुझे चलना है, मुझे बॉडी को बराबर बराबर बैलेंस करना है, तो मैं चाहता हूँ मेरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो लेफ्ट और राइट में बराबर हो। अगर एक हाथ हाथ इधर है तो एक हाथ इधर हो, एक पैर इधर है तो एक पैर इधर हो। मतलब इमेजिन कीजिए एक पर्सन है जो 80 किलो का है, जिसका 60 किलो वजन एक तरफ है और 20 किलो एक तरफ है, या 50 किलो एक तरफ है और 30 किलो एक तरफ है, तो उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए चलना फिरना आसान कब रहेगा, जब 40 केजी वो एक साइड है, 40 केजी वो दूसरी साइड है, तो वो बैलेंस रहेगा, तो चलता फिरता आराम से रहेगा। तो बट ऑफ ऐसी बात है कि ऐसे चलने फिरने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, 40-40 किलो हिसाब से बिठाने के लिए, जिस तरीके के ऑर्गन लेफ्ट में इवॉल्व है उसी तरीके के ऑर्गन राइट में इवॉल्व है। तो देयर इज अ बैलेंस इन द ऑर्गन्स व्हिच हैव बीन इवॉल्व्ड, और जब बैलेंसिंग आप करोगे तो जैसा लेफ्ट में के ऑर्गन वैसे ही राइट के ऑर्गन, एंड दैट लीड्स टू व्हाट, दैट लीड्स टू बाइलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री इस तरीके से इवॉल्व हुई है आफ्टर प्लैटी हेलमिंथस। अब एक ही एक्सेप्शन आता है एकाइनोडर्मेटा का। अगर आप स्टारफिश को देखेंगे तो उनकी सिमेट्री रेडियल है, अगर आप स्टारफिश को इमेजिन करें तो उनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल है। तो सवाल ये आता है कि क्या एवोल्यूशन गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। स्टारफिश की जो आप रेडियल सिमेट्री देख रहे हो वो एडल्ट की देख रहे हो, अगर आप उनका लार्वा देखोगे तो वो भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है। जब स्टारफिश इवॉल्व हुई थी या जब एकाइनोडर्मेटा इवॉल्व हुए थे, तब उनके सिमेट्री भी बायलेटरल सिमेट्री ही थी। विद कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू एडाप्टेशन उनकी सिमेट्री क्या हो गई, रेडियल सिमेट्री हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भी बायलेटरल ही इवॉल्व हुए थे, और सिर्फ एडल्ट एकाइनोडर्मेटा ही रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन वो आते ग्रुप कौन से के अंदर है, बायलेटेरिया के अंदर ही आते हैं। तो प्लैटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक सब लोग आएंगे कौन से ग्रुप में, बायलेटेरिया ग्रुप के अंदर, जिसमें एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स एक्सेप्शन में आ जाएंगे कि वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक। कहानी खत्म, इतना ही है सिमेट्री के बारे में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ेंगे पॉलीफेरा की बात करेंगे। तो सेकंड वाला बता दो, वायलेट किया, इसमें ना समझ नहीं आया मेरे को, इसको क्या समझ नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आ रहा ना? सर सेकंड वाला मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टल भी तो कट कर सकते हैं वर्टिकली। बेटा जोर से बोल या लिख के बोल।
सर सेकंड वन बायलेटरिया। रौनक एक बात बता, अगर क्या सर? हाँ अगर एक बात बता, अगर एक चाकू से तेरे को बीच में से काटा जाए और तेरे दो टुकड़े किए जाए तो बराबर बराबर होंगे कि बराबर बराबर नहीं होंगे? तो दोबारा बोलना एक और बार। दोबारा बोलना? अच्छा दोबारा दोबारा काटते, मान लो एक चाकू लिया और तेरे को बीच से ऐसे काट दिया तो तेरे दो बराबर बराबर टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। हो जाएंगे ना? यस सर। हाँ अच्छा, और अगर ऐसे 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 क्रॉस में काटा दो, डायगनली काटा दो, फिर बराबर बराबर टुकड़े होंगे? सर नहीं, बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होंगे। अच्छा इसके ऐसे के अलावा कैसे मर्जी तेरे को काटा जाए ना, तेरे बराबर टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको सिर्फ हम एक ही प्लेन में सिमेट्रिकल होते हैं, बस ऐसे लेटरली काटो और दो हाफ बने, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ, इसके अलावा कोई भी उन्हें डिवाइड करने का तरीका नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बाई लेटरली सिमेट्रिकल। क्लियर? सिमेट्री इन सिंगल प्लेन, विच प्लेन? लेटरल प्लेन। व्हाट द पॉइंट? ओके सर। ओके अच्छा, इन सभी सिमेट्री में ना सेंट्रल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एक्सिस मतलब सर ऊपर से लेके नीचे तक एक वायर डालिए जिसके अराउंड नीचे रोटेट कर सके, जैसे अर्थ की एक्सिस होती है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है, उसको बोल रहे हैं सेंट्रल एक्सिस। उसके अलोंग पूरा पास होना चाहिए प्लेन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पता चला आपने बोला कि सर हमने तो स्टार फिश ली, स्टार फिश छोड़ो, हमने तो हाइड्रा लिया और ऐसे काट दिया, तो एक केस में टेंटेगल जाके, एक केस में तो फिर गोल गोल स्ट्रक्चर आया, सिर्फ पैरालाइज आया, तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं हुआ। ऑफकोर्स वो सिमेट्रिकल नहीं हुआ, आपने तो सेंट्रल एक्सिस से पास ही नहीं किया, आपने ऐसे पास कर दिया, ठीक है ना? सेंट्रल एक्सिस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक काटना है ना? पता चला आपने बर्गर काटा, ठीक है, या पिज्जा लिया, पिज्जा को काटा, ऐसे काट दिया, बोला सर ये तो बराबर बराबर हुआ नहीं, एक को चीज आ गया, एक को बेस आ गया, एक को नाइंसाफी हो गई, तो ऑफकोर्स नाइंसाफी हो ही जाएगी, तो आपको ऐसे नहीं काटना है। इस प्लेन की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस पूरी पास नहीं हो रही, आपको सेंट्रल एक्सिस को काट रहे, आपको सेंट्रल एक्सिस के अलोंग प्लेन को पास करना है, समझ रहे हो? ये सेंट्रल एक्सिस वाला जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जब भी आंसर लिखो अपने स्कूल में तो सेंट्रल एक्सिस वाला पॉइंट में बोलूंगा कि आप प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई बेचारा मासूम टीचर होगा तो मार्क्स दे देगा, मेरे जैसा तो जीरो देगा अगर सेंट्रल एक्सिस नहीं लिखा, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास अगला जो टॉपिक है आपको पढ़ाने के लिए वो है 45। ये पहला फाइलम पढ़ रहे हैं, 45 फटाफट समझेंगे, कोई खतरनाक सी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, और वैसे भी हमने एनुअल कैलेंडर में ज्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन ही आने हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो पॉलीफेरा का मतलब पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, प्यार से बुलाते स्पंज जैसा, क्यों? स्पंज लाइक होते हैं, स्पंज जैसे मतलब जैसे स्पंज है ना, जैसे नहाते वहाते भी स्पंज जैसे, वैसे स्पंज, ठीक है ना? तो पॉलीफेरा पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, डायग्राम देखेंगे बहुत सिंपल है, ये एक स्पंज है। स्पंज की खास बात यह है कि ये एक्वाटिक होते हैं, कैसे होते हैं? एक्वाटिक, आप पानी में मिलेंगे, मेरे क्या आपको यहाँ पे घास में उगे हुए स्पंज मिल जाएंगे, ठीक है? इट इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो हर पॉइंट लिखवा नहीं रहा, ये अपने माइंड में डाल लो, ठीक है ना? अपना पेन पेपर या पेन कॉपी नोट्स लो और साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है? ये सोच रहे हो कि इस तरह लिखेंगे यहाँ पे एक्वाटिक, ये फलाना निकालो, ठीक है ना? वो चलेगा नहीं अब, ठीक है ना? अब आप पढ़े हुए हैं, अब आप नोट्स बनाना सीखिए, जो जो बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट लगे फटाफट, साथ साथ आंखें चलती रहनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ दिखता रहना चाहिए और बिना देखे हाथ चलते रहने चाहिए, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? लुकिंग इनटू माय बॉडी लाइन पर हाथ रख कर रहे हैं प्रैक्टिस कर, ठीक है? ओके। तो स्पंजेस एक्वाटिक होते, कैसे एक्वाटिक होते? अब एक्वाटिक में दो कैटेगरी आती है, एक नमकीन पानी जिसको हम खारा पानी बोलते हैं, जो पीने लायक पानी नहीं है, जो समुद्र का पानी यानी सी वाटर या ओशियन वाटर होता है, ठीक है ना?
महासागर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो या तो ओशियन वाटर और सी वाटर, दोनों खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, पीने लायक नहीं होता, उसको हम बोलते हैं द मराइन वाटर। ओके, MARINE, मराइन वाटर या सॉल्टी वाटर। वेयर एज नदी का पानी, तालाब का पानी, पॉन्ड रिवर सॉरी पॉन्ड रिवर लेक, ठीक है ना, इनका जो पानी है बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो स्पंजेस आपको दोनों तरीके के मिल जाएंगे, मराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। तो इस तरीके के एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चल फिर नहीं सकते, ये एक्सेप्शन हैं एनिमल्स के उसपे कि ये चल फिर नहीं सकते, ये एक जगह पर जुड़े रहते हैं, मतलब दे आर सेसाइल। हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जुड़े रहने के लिए, SESILE, सेसाइल, ठीक है ना। सेसाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेसाइल दैट इज दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। ओके, दैट इज अबाउट दी स्पंजेस, इसके बेसिक चीजें जो बताई मैंने। तो ये हो गया सबस्ट्रेटम, यानी कहीं ना कहीं अटैच से सबस्ट्रेटम बोल रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे इसमें हम क्या समझते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि पॉलीफेरा मतलब पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इनमें बहुत सारे पोर होते हैं, देयर आर मेनी पोर्स इन देम। पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म पोर्स, पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। पोर को क्या बुलाते हैं हम, ऑस्टिया, ठीक है। और ऑस्टिया का फंक्शन क्या है, ध्यान से समझेगा। अगर मैं इस चलो आपको बता देता हूँ, इन ऑस्टिया में से पानी एंटर करता है, बाहर से पानी अंदर आएगा, और पानी अंदर आने के बाद यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो पानी अंदर आता है, पानी बाहर चला जाता है, ऑस्टिया यानी पोर से पानी अंदर आता है और बाहर जाता है इस ओपनिंग से, होना ऑस्क्यूलम। तो एक ओपनिंग है ऑस्टिया और एक ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया से पानी अंदर, ऑस्क्यूलम से पानी बाहर। अब अगर मैं स्पॉन्ज से काटू और इसको काट के आपको एक डायग्राम दिखाऊं इसका, तो काट के तो उसके डायग्राम में ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि दो लेयर्स हैं। एक लेयर इस तरह की है जिसमें ऐसे सेल्स हैं, ठीक है ना, इन सेल्स को हम बोलते हैं पिनोसाइट्स, पिनोसाइट्स पिन लाइक सेल्स हैं, पिनोसाइट्स। नॉट क्लियरली एग्जांपल है, पिनोसाइट्स यानी पिन लाइक सेल्स, साइट्स मतलब सेल होता है, पिन लाइक सेल्स पिनोसाइट्स, और बीच बीच में पोर्स के पास पोरोसाइट्स। कौन साइट्स, पोरोसाइट्स, मैं लिख रहा हूं पोरोसाइट्स। पिनोसाइट्स और पोरोसाइट्स दो सेल्स के आउटर लेयर में, तो एक आउटर लेयर और अंदर की लेयर में भी एक तरीके के सेल्स है, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं तो ये अंदर वाली लेयर वाले सेल्स है, इनको हम बोलते हैं डीप मोनोसाइट्स। क्वाजी सेल्स क्या नाम दिया इसका मैंने, क्वानोसाइट्स या पॉलर सेल्स, क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स। अब क्वानोसाइट्स और पिनोसाइट्स की वजह से इसकी दो लेयर हो जाती है, लेयर जाती है दो लेयर, द आउटर लेयर इज नोन एज पिनाकुलम, क्योंकि इसमें पिनोसाइट्स और पोरोसाइट्स है, पिनाकुलम बोलते हैं। और अंदर वाली लेयर के पास क्वानोसाइट्स है, कॉलर सेल्स, उन्हें हम क्वानोडर्म बोलते हैं। एक लेयर है क्वानोडर्म, एक लेयर है पिनाकुलम, कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, क्वानोसाइट्स एंड पिनाकुसाइट। क्वानोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, डायग्राम अगर बनाओ कुछ इस तरीके का होता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का सेल है जिसका कॉलर सेल, उसको हम कॉलर सेल भी बोलते हैं, प्यार से कॉलर सेल, या सिंपली क्या बुलाते हैं, क्वानोसाइट। अभी बताया मैंने आपको क्या बुलाते हैं, क्वानोसाइट। तो क्वानोसाइट या कॉलर सेल एक ही बात है, इनका फंक्शन क्या है देखिए, जैसे कि मैंने बताया पानी अंदर आया, तो पानी आया या यहाँ क्या आ गया, अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्ज के अंदर, अब स्पॉन्ज मान लो गोल है, ठीक है, तो अंदर कैविटी होगी, क्या होगा, हॉलो स्पेस कैविटी। तो जो कैविटी है वो स्पॉन्ज की कैविटी है, अब उस स्पॉन्ज की कैविटी को हम बुलाते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को, स्पॉन्ज की, स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्ज की कैविटी है अंदर, पानी बाहर से अंदर आ गया, ऑस्टिया से अंदर आ गया स्पॉन्जोसील में। और ये जो फ्लैजेला है इसके, क्या है ये, दिस इज अ फ्लैजेला, फ्लैजेला समझते ना, कई एनिमल्स के फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला इज अ प्रोटीन लाइक फिलामेंट, प्रोटीन लाइक फिलामेंट जो वाइपर होता है ना गाड़ी का, ऐसे ऐसे से मूव करता है, ऐसे फ्लैजेला मूव कर रहा है,
फ्लैजेला मूव करता है ऐसे 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 और पानी को मूव करवाता है बाहर की तरफ। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, पानी एक तरफ ऑस्ट्रिया से अंदर है, दूसरे ऑस्ट्रिया से बाहर निकल गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी जैसे अंदर आता है ये फ्लैजेला मूव करते हैं, पानी को डायरेक्शन देते हैं कि तू बाहर की तरफ भाग, तो पानी सीधा बाहर निकल जाता है थ्रू ऑस्कुलम। और डायरेक्शन कौन दे रहा है पानी को? पानी को डायरेक्शन दे रहे हैं द कॉलर सेल्स। तो कॉलर सेल्स जो कॉलर है पानी का मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। तो याद रखना कि स्पॉन्जेस के पास एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और इस वाटर कैनाल सिस्टम में बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर है, बहुत ही सिंपल सा क्या है, ऑर्डर है। और बहुत सिंपल से ऑर्डर में क्या है कि पानी बाहर था, बाहर से अंदर स्पॉन्जोसील में आएगा, ठीक है, और स्पॉन्जोसील मतलब बाहर से ऑस्ट्रिया के थ्रू, मतलब बाहर से ऊपर लिख देते हैं ऑस्ट्रिया, बाहर से ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी अंदर आ जाएगा, किसके अंदर? स्पॉन्जोसील के अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर। और स्पॉन्जोसील से यही पानी, ठीक है, कहां चला जाएगा? आउटसाइड चला जाएगा थ्रू व्हाट? थ्रू ऑस्कुलम, थ्रू ऑस्कुलम। और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके का जो वाटर कैनल सिस्टम है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, ये आपको मिलेगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए एक स्पॉन्ज नोन एज ल्यूकोसोलेनिया। कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल जाएगा ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया एक स्पॉन्ज है जो इसका इस तरीके के सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है। और इसको बोलते हैं एस्कॉन टाइप। कौन सा टाइप? एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। क्लियर पॉइंट आ रही बात समझ में? तो इस तरीके के कैनाल सिस्टम को बोलते हैं एस्कॉन टाइप। इसके अलावा दो तरीके के टाइप और है, द साइकॉन टाइप एंड द ल्यूकॉन टाइप। साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम इसको मिटाने के बाद बताऊंगा। तो अब तक की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि स्पंज जमीन से जुड़े होते हैं, उनमें पोर्स होते हैं नोन एज ऑस्टिया, पोर से पानी अंदर आता है, ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। और इस तरीके का सिंपल अरेंजमेंट का एग्जांपल कौन है? ल्यूकोसोलेनिया, उसके अंदर ये वाटर कैनाल सिस्टम बोल सकते हैं इसको, पूरे सिस्टम को। और कौन से टाइप का सिस्टम है ये? एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। क्लियर पॉइंट? मैंने ये भी बताया कि दो लेयर्स में जो आउटर लेयर है उसको क्वानोडर्म बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्वानोसाइट्स यानी कॉलर सेल्स होते हैं, और अंदर वाले जो सेल्स, बाहर वाले जो सेल्स हैं वो पिन जैसे हैं, इसलिए हम उसे पिनोसाइट्स बोलते हैं, और लेयर को पिनाकोडर्म बोलते हैं। इसके अलावा आउटर लेयर में एक और तरीके के सेल्स हैं, पोरोसाइट्स। अब तक की इंफॉर्मेशन इतनी सी ही है, ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक? सर कॉलर सेल्स का क्या वर्क है? बताया ना, पानी को मूव कराना और डाइजेशन करना। ओके सर। ओके सर। हाँ जी सर, आपने सर, हाँ सर मिटा दो सर। ये आपने एस्कॉन लिखा है, एस्कॉन टाइप, इसमें एस्कॉन का मतलब क्या है? एस्कॉन टाइप एक एग्जांपल है, एस्कॉन एक प्रिमिटिव तरीके का स्पंज था, उसमें ये पहली बार आया था, तो भूल अभी एस्कॉन एक तरीके एग्जांपल एक नाम दिया गया इस तरीके के नाम से। ओके सर, एस्कॉन वाज अ प्रिमिटिव स्पंज जिसके जैसा इसका कैनाल सिस्टम, इसलिए एस्कॉन बोलते हैं, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। आइए, इसके अलावा और कौन से कैनाल सिस्टम होते हैं? इसके अलावा कैनाल सिस्टम है साइकॉन और ल्यूकॉन। अब इसके डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं होता। सेम पानी बाहर आता है, बस अंदर अंदर आने से पहले एक दो कैनाल और बन जाते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल स्पॉन्ज के लिए ही है, मान लीजिए नॉर्मल स्पॉन्ज है, तो साइकॉन में ना जो स्पॉन्ज है थोड़ा सा ऐसा फोल्ड हो जाता है, तो ये बन जाता है द साइकॉन टाइप, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, फोल्ड हो गया लाइक दिस, ऐसे लेयर्स हो गए, तो ये हो गया साइकॉन टाइप। तो ये हमारा साइकॉन टाइप। और कभी कभार क्या होता है कि फोल्डिंग कुछ ज्यादा हो जाती है, कुछ ज्यादा ही फोल्डिंग होगी, है ना,
ये तो जल्दी से फोल्डिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं ल्यूकोन टाइप। ये ल्यूकोन टाइप कौन से, ये साइकोन टाइप कौन से, और सबसे सिंपल वाला जो पढ़ाया अभी अभी, इसमें सिंपली दो ही लेयर्स है, उसको बोलते हैं एस्कॉन टाइप। तो एस्कॉन साइकॉन ल्यूकोन इनके अंदर की लेयर्स की फोल्डिंग के ऊपर नाम दिए गए। ठीक है, पानी के मूवमेंट में डिफरेंस क्या है कि स्पॉन्जो स्टील में पानी पहुंचने से पहले दो स्ट्रक्चर से निकल के चलता है, दैट इज वन इज ओनली इनकरेंट कैनाल, एक इनकरेंट कैनाल आ जाता है, और इनकरेंट कैनाल के साथ साथ एक और कैनाल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं द रेटेड कैनाल। ठीक है, बाकी रिमेन सेम, बाकी रेस्ट विल रिमेन सेम, इसको मिटा रहा हूं, एस्कॉन तो पता ही आपको, एस्कॉन बता दें, बाकी आपको पता है बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ स्पॉन्जो सी और यहाँ पे आउट साइड, यहाँ पे इन साइड। ठीक है, तो पानी अंदर आएगा इनकरेंट कैनाल के, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल स्पॉन्जो सी, फिर क्या आउट साइड। ये बहुत पहले क्वेश्चन आया करता था, आजकल नहीं आते, बस एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि ऐसा कुछ दिखता है तो समझ जाना कि साइक्लोन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे ऑस्ट्री आ जाएगा, यहाँ ऑस्कोलम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दो और ओपनिंग्स आ जाती है, एक को बोलते हैं प्रोसोपाइल, जो आपको याद नहीं रखनी, एक है एपोपाइल, अगेन आप उसको भूल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी बड़ा चौड़ा के आता है, ठीक है ना, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो कि वो कौन सा साइक्लोन टाइप। ल्यूकोन टाइप भी सिमिलर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस रेडियल कैनाल की जगह एक्सकरेंट कैनाल आ जाता है और स्पॉन्जो सील गायब हो जाती है, स्पॉन्जो सील का हम नाम नहीं लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इन इनकरेंट कैनाल, आई एन डॉट डाल रहा हूं, इनकरेंट कैनाल, फिर एक्सकरेंट कैनाल, मतलब आगे रेडियल कैनाल की जगह फ्लैजिलेटेड चैम्बर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और स्पॉन्जो सील की जगह जाते हैं एक्सकरेंट कैनाल, इसमें स्पॉन्जो सील गायब हो जाती है, बीच में कैविटी रही नहीं है, तो स्पॉन्जो सील गायब हो गई है, तो वी हैव एक्सकरेंट कैनाल, वो स्पॉन्जो सील नहीं रहती इसमें, एंड फाइनली वी हैव आउटसाइड। बाकी चीजें सेम रिमेन सेम, यहां पे आ जाएगा ऑस्टिया, यहां पे आ जाएगा ऑस्कुलम, ठीक है ना, ऑस्कुलम, ऑस्टिया, वही प्रोसोपाइल, वही एपोपाइल, बाकी रिमेन सेम, तो फर्क कहां पे आ गया, इसमें फ्लैजेलेटेड चैम्बर में और एक्सकरेंट कैनाल में, रेस्ट रिमेन सेम। आ रही है बात समझ में, तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज ल्यूकोन टाइप, कौन सा टाइप, ल्यूकोन टाइप। तो कहने का मतलब ये है, स्पॉन्जेस सिर्फ इतने सिंपल नहीं होते, बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, साइकॉन और ल्यूकोन टाइप भी होते हैं, मगर ये इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब इनके बेसिस हमने क्लासिफाई नहीं किया, ये तो हमने बस कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करी है इसके अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, इनके एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स पे अगर बात करें तो साइकॉन टाइप स्पॉन्ज का जो एग्जाम्पल है, इस तरीके के समाज के एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, साइकॉन ही है, साइकॉन या स्काइफा, और अभी बताया था साइकॉन और स्काइफा की खास बात है कि इट इज रेडियली सिमेट्रिकल। ल्यूकोन टाइप का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, बाथ स्पॉन्ज, यूस्पंजिया, यूस्पंजिया द बाथ स्पंज, उसको हम बाथ स्पंज बुलाते हैं, नहाने वाला स्पंज बुलाते हैं, क्योंकि नहाने वाले स्पंज जैसा दिखता है, उसे हम बाथ स्पंज बुलाते हैं, तो यूस्पंजिया इज द बाथ स्पंज। ठीक है ना, और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूकोन टाइप ऑफ, ल्यूकोन टाइप ऑफ स्पंज है, और साइकॉन टाइप कौन है, साइकॉन ही है, और एस्कॉन टाइप मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ल्यूकोसोलेनिया। तो अभी तक आप तीन एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं यहाँ पे, यूस्पंजिया, साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया। तो आई सपोज ये बातें क्लियर है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए इंपॉर्टेंट बातों पे चलते हैं, इसको मिटा देना। ओके, तो इन सब में मेन चीज नोटिस करने वाली क्या है कि पानी हमेशा ऑस्टिया से अंदर आएगा और ऑस्कुलम से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके, आइए आगे समझते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। अगर हम सिमेट्री, अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें,
तो स्पंजेस ना तो डिप्लोब्लास्टिक है ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके जब हम अभी आप देख रहे हो तो इसमें दो लेयर नजर आ रही है एडल्ट में, पिनाकोडर्म और क्वाइनोडर्म। लेकिन एम्ब्रियो को जब देखते हैं ना हम, तो उसमें एक ही लेयर होती है, एक लेयर की फोल्डिंग से दूसरी लेयर एडल्ट में बन जाती है। तो जो जर्म लेयर्स की जो बात होती है ना, वो एम्ब्रियोलॉजिकली देखते हैं। तो इसके एम्ब्रियो में दो लेयर्स हैं, तो हम इसको डिप्लोब्लास्टिक बोल ही नहीं सकते। तो ना हम इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं ना कुछ और बोलते हैं। इसको इसके इसलिए इसके जर्म लेयर्स के बारे में कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि अभी भी कोई चर्चा का विषय, इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राइट? तो लेट्स लीव द जर्म लेयर्स, लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट। हैबिटेट बताई दिया, पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। What is the level of organization for sponges? Sponges किस level पर organized है? तो मैं आपको बता देता हूँ। Sponges का level of organization several level है। Organized है several level। ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनके पास अलग-अलग तरीके के cells होते हैं, known as amoebocytes। अब सुनिए गाइस, सुनने वाली बात है, ये कोई बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं। इनके पास अलग-अलग तरीके के cells होते हैं, known as amoebocytes। Amoebocytes इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमीबा लाइक होते हैं, इनकी बॉडी में अमीबा लाइक सेल्स हैं, अमीबोसाइट्स। अब अलग अलग अमीबोसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम बता, जैसे क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट्स क्या करते हैं? इनको पिगमेंट रिलीज करके अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स, जर्म सेल्स क्या करते हैं? या तो स्पर्म बनाएंगे या एग बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक ही स्पॉन्ज स्पर्म भी बना सकता है और एग भी बना सकता है, मतलब एक स्पॉन्ज बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक तरीके के अमीबोसाइट्स हैं थीजोसाइट्स, ये फूड स्टोर करते हैं। एक तरीके के अमीबोसाइट्स हैं उन्हें ट्रोफोसाइट्स, ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तरीके के ये हैं अमीबोसाइट्स हैं मायोसाइट्स, ये इसको कॉन्ट्रैक्टाइबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ऑस्टिया कब बंद करना है, कब खोलना है, ऑस्कलम कब खोलना है, कब बंद करना है। तो मायोसाइट्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। एक होते हैं इसके स्पंजियोब्लास्ट, या आप बोला सकते स्क्लेरोब्लास्ट, जो इसके फाइबर्स बनाते हैं या इसके इसके स्पिक्यूल्स बनाते हैं। आइए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करेंगे कि स्पंजेस के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, मतलब कि जैसे आपकी बॉडी में हड्डियां होती है ना, स्पंज की बॉडी में भी कांटे होते हैं या फाइबर्स होते हैं। तो कांटे और फाइबर्स भी एक तरीके के सेल्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट बनाते हैं इसके कांटे, ठीक है ना। और फिब्रोब्लास्ट या स्पॉन्जियोफिब्रोब्लास्ट इसके फाइबर्स बनाते हैं। और ये सारे के सारे किस तरीके के सेल्स हैं? अमीबोसाइट्स, ठीक है ना। अच्छा, इनमें एक तरीके के सेल्स और होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं? इनके टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, टोटिपोटेंट। देखिए टोटिपोटेंट का क्या मतलब है? टोटली पोटेंट। टोटिपोटेंट मतलब जिनके अंदर कैपेबिलिटी है बॉडी का कोई भी सेल बनाने की, मतलब फॉर एग्जांपल आपने स्पॉन्ज को दो टुकड़ों में काट दिया, तो इसके जो आर्कियोसाइट्स होंगे या टोटिपोटेंट सेल्स होंगे वो बचे हुए बाकी सेल्स को मिला के स्पॉन्ज को पूरा बना देंगे। मतलब स्पॉन्ज हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, ठीक है ना। स्पॉन्ज का एक टुकड़ा काट के साइड में गिर गया तो उस टुकड़े से नया स्पॉन्ज बन सकता है बिकॉज ऑफ टोटिपोटेंट या आर्कियोसाइट्स, ठीक है ना। तो अब आपने क्या देखा कि स्पॉन्ज में अलग अलग काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग किस्म के सेल्स हैं। टिश्यू नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, क्या है? सेल्स हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं क्या पढ़ा रहा था? मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दी, एनसीईआरटी में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं जो बता रहा हूँ निचोड़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं बताया कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों है कोई पूछेगा? क्योंकि इनके पास अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, जिनको हम अमीबोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शन गिनवा दिए, ठीक है। अच्छा, फिर समझने वाला क्या बताया मैंने कि इनके पास एक और स्पेशल तरीके के सेल्स हैं, आर्कियोसाइट्स। इसका इंपॉर्टेंस बाद में बताऊंगा, बताई दिया मैंने, एक बार इंपॉर्टेंस आगे बताऊंगा। आर्कियोसाइट्स जो कि टोटिपोटेंट सेल्स है, जिसकी वजह से स्पॉन्ज रीजनरेशन कर सकता है, ये वो सेल्स हैं जो टोटली पोटेंट है, इनके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की। जैसे कि आपके एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, इनिशियल एम्ब्रियो होता है ना,
उसके सेल्स पूरी बॉडी बन जाती है आपकी, वैसे से सेल्स होंगे टोटली पोटेंट सेल्स। क्लियर आ रही बात समझ? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों है वो भी आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारा मिटा रहा हूं और आप अपना साथ साथ पेन चला के नोट बनाते रहिए, जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है नोट करते। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख लूंगा, उसके अलावा आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है अपना नोट कर देना। आगे बात करते लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम चलते हैं इसकी सिमेट्री कौन सी। अब सिमेट्री में मैं कितनी बार बताऊं कि ये एसिमेट्रिकल, दे आर नॉट सिमेट्रिकल, ओनली सम एक्सेप्शंस आर देयर, एग्जांपल साइकॉन व्हिच इज रेडियली सिमेट्रिकल, वरना एसिमेट्रिकल। तो हम जनरली क्या बोलेंगे, स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, तो दे आर एसिमेट्रिकल। कहां नहीं करना, एनसीईआरटी एसिमेट्रिकल बोलती है, हम भी एसिमेट्रिकल बोलेंगे। हाँ कोई बोले ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, स्टेटमेंट गलत। देखिए दो स्टेटमेंट है, स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, ट्रू दे आर एसिमेट्रिकल, एक्सेप्शन तो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन कोई बोले ऑल द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल विदाउट एनी एक्सेप्शन, या ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, स्टेटमेंट गलत। चलिए आगे बात करते हैं। तो सिमेट्री हो गई, ये सब हो गया, आइए बेसिक फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शन नंबर वन डाइजेस्टन, एक स्पॉन्ज डाइजेस्ट कैसे करेगा, व्हाट इज व्हाट डू डाइजेशन, डाइजेशन पता तो होता कैसे, खाना अंदर आया, मान लो एक स्पॉन्ज की बॉडी में अंदर खाना आ गया, स्पॉन्ज है ठीक है ना, इसकी बॉडी में अंदर खाना आ गया, ये फूड है ठीक है ना, सॉरी गलत बता दिया मैंने, जो पानी अंदर आएगा उसी से उसी में खाना भी आएगा। भाई आपको स्पॉन्ज बताऊं, तो ध्यान से देखिए स्पॉन्ज है, ये इसकी बॉयलर बना, ये एक है बॉयलर ठीक है ना, और ये इसमें होल्स है, होल्स है ना, ऑस्टिया है, ये ऑस्टिया हो गए। अब क्या हुआ, पानी अंदर आया, जब पानी अंदर आया तो उस पानी के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए है ना, अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसने पकड़ लिया, इन भाई साहब, कौन से भाई साहब है, ये है कॉलरसन, इन्होंने अपने फ्लैजिला से बीट करके कि भाई खाना, चलिए उसने ऐसे इंटरेक्शन होकर खाने को यहाँ पे उसका एंडोसाइटोसिस कर लिया, क्या कर लिया, एंडोसाइटोसिस, खाना ले लिया ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लिया, कुछ तो उसने तोड़ के कंज्यूम कर लिया, और कुछ क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, कुछ क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, तो कुछ हो गया स्टोर इन द फूड वैक्यूम, जैसे बोलते हैं फूड वैक्यूम, अमीबा भी ऐसे ही करते हैं, कुछ फूड वैक्यूम में स्टोर कर लिया और कुछ डाइजेस्ट करके इस्तेमाल कर लिया। तो सिंपल सा फंडा क्या है, फंडा है कि डाइजेशन में आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया क्या हो रहा है, खाना अंदर आ रहा है, पॉलर साइंस पकड़ के डाइजेस्ट कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ स्टोर कर रहे हैं फूड वैक्यूम के अंदर। तो आपने फंडा क्या है, आपको रटा क्या माना, आप वहां पे पूरा ये तो समझने के लिए, ताकि आप ये पॉइंट याद रखो, डाइजेशन मतलब एक सेल के अंदर हो रही है, और एक सेल के अंदर होने वाले डाइजेशन को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर। कोई पूछेगा कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, आप बोल देना क्वांट सेल्स, कहानी खत्म, इससे ज्यादा आपको कोई नहीं पूछना, या तो आपको ये रखना है, और ये याद रखने के लिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे ठीक है। अरे बस समझ, तो कॉन्सेप्ट सिर्फ पॉइंट को याद रखने के लिए ठीक। तो आई सपोज क्लियर टू यू कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ऑस्टिया से जब पानी अंदर आएगा तो पानी में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जिन्हें क्वानोसाइट्स पकड़ लेंगे और अंदर लेके उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, कहानी खत्म, इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टर। आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी बहुत आसान है क्योंकि पानी में डूबे रहते हैं, तो रेस्पायर करना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल ही आसान रेस्पिरेशन है, क्या करना है कुछ भी नहीं करना, पानी से ही सारे सेल्स पानी के कॉन्टेक्ट में ही, सीधा ऑक्सीजन ले लो, डिफ्यूज ऑक्सीजन ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो, इससे आसान हो सकता है कुछ, तो ऑक्सीजन लो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो, सिंपल रेस्पिरेशन कैसे, डिफ्यूजन से ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा, यहाँ पे अगला पॉइंट लिख लेते हैं कि कोई आपसे पूछे कि स्पॉन्जेस के रेस्पिरेशन के बारे में बताओ भैया कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन, कहानी पर इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एक्सक्रीशन की, इसकी एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन का मतलब होता है
जैसे आप यूरिन रिलीज करते हो ना, अब यूरिन में क्या रिलीज करते हो, अमोनिया रिलीज करते हो, यूरिया रिलीज करते हो, यूरिक एसिड रिलीज करते हो। आपकी बात कर रहा हूँ मैं ह्यूमन की, होमोसैपियंस सेपियंस द वाइज मैन हु इज नॉट सो वाइज, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि एक्सक्रीशन के लिए क्या इस्तेमाल करता है, एक्सक्रीशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ भाई, एनीबॉडी इन द क्लास क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा बॉडी ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, हम कौन सा इंटरनल ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं? सर किडनी। किडनी, वेरी गुड। तो किडनी इस्तेमाल करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो हम यूरिन में क्या रिलीज करते हैं, यूरिया अमोनिया यूरिक एसिड? यूरिया। बहुत बढ़िया, मैं बताता हूँ। हम अगर हम एक ह्यूमन यूरिन लें और उसको टेस्ट करें तो उसमें आपको अमोनिया माइन मिलेंगे, यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, लेकिन चीफ कंपोनेंट क्या मिलेगा, चीफ कंपोनेंट मिलेगा यूरिया। और क्योंकि हमें हमारा चीफ कंपोनेंट यूरिया होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि हम यूरियोटेलिक हैं। ऑर्गेनिज्म तीन तरीके के होते हैं, मोनोटेलिक जो अमोनिया रिलीज करते हैं, यूरियोथेलिक जो यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिकोथेलिक जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। बस थेलिक थेलिक लगा देना है, HELIC, अमोनोथेलिक, यूरियाथेलिक, यूरियो सॉरी यूरिकोथेलिक, दैट इज अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमंस हम यूरिकोथेलिक हैं, मेनली यूरिया रिलीज करते हैं। क्लियर? हम अमोनिया भी नहीं रिलीज करते, व्हाई कांट वी रिलीज अमोनिया? देखो अमोनिया काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है, अमोनिया को रिलीज करने के लिए खूब सारा पानी चाहिए, यूरिया के मुकाबले 10^5 मोर, 10^5 मोर, मतलब अगर हम जो अमाउंट का यूरिया रिलीज कर रहे हैं, हम पर डे यूरिन रिलीज करते हैं 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर यूरिन यूरिन हम रिलीज करते हैं पर डे। अगर हमें यूरिया के बजाय यही चीज अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करनी हो तो हमें पानी चाहिए होगा 2 × 10^5 liters, यानी 200,000 liter पानी डेली का चाहिए होगा उतना अमोनिया रिलीज करने के लिए, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होता है। तो क्या आपको लगता है कि आप एक दिन में 200,000 liter यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हो? इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हम पानी की बचत के लिए जो भी अमोनियम आयन मेजरली हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ करते हैं सारा काम? ये काम हम करते हैं लिवर के अंदर, लिवर हमारा अगर काम कर रहा है तो फिर हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अमोनिया को कर लेते हैं, छोटे छोटे अमोनिया रिलीज होता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से यूरिन की स्मेल भी आती है, यूरिन की स्मेल बड़ी गंदी और बड़ी पंजेंट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अमोनियम आयन ओनली, थोड़ा सा अमोनियम आयन उसके अंदर रहता है। और हाँ, अगर ज्यादा देर एक यूरिन एक जगह पे खड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे देश में कंट्री में कई जगह पर अच्छे सैनिटरी वो नहीं है, तो somebody urinated at a particular place, ठीक है, और वो यूरिन वहां से मूव नहीं किया है, वहीं पर पड़ा हुआ है, तो स्लोली ग्रेजुअली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यूरिया ऑक्सीडाइज हो जाएगा अमोनिया में और बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल देगा। तो जितना पुराना एक यूरिन होता जाता है उतना पंजेंट और बैड उसका ऑर्डर होता रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया। खैर, सो ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम यूरिया डालेंगे, हम यूरिया रिलीज कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम एक्वाटिक नहीं है। अगर हम एक्वाटिक होते तो हम क्यों इतनी मेहनत करते कि भाई बॉडी जो मेजर नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करती है अमोनिया के फॉर्म में करते, तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करते कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया को रिलीज करते, हम सीधा अमोनिया ही रिलीज कर देते, ठीक है, ओके। तो लेकिन स्पंज के पास ये ऑप्शन है, स्पंज इजिली अमोनिया रिलीज कर सकता है, उसे यूरिया को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सीधा पानी में रहता है। तो वो सिंपल जैसे कि उसने रेस्पिरेशन किया था वैसे ही सिंपली बॉडी से या तो बॉडी के बाहर डायरेक्टली या जो पानी अंदर आया है उसके अंदर दोनों तरफ कैसे भी अमोनिया रिलीज कर सकते हैं, NH4+, ठीक है ना, NH4, ठीक है ना, तो NH4 की फॉर्म में अमोनिया क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, एंड मतलब एक्सक्रीशन में फंजस आर अमोनोटेलिक
और कैसे रिलीज करते हैं, सिंपली बाय डिफ्यूजन, ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो आपको तो बस यही याद रखना कि दे आर अमोनोसैलिक एंड एक्सक्रीट अमोनिया बाय डिफ्यूजन। तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। सर्कुलेशन की बात करते हैं, अब आपके सर्कुलेशन में आपको भी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म, आपके पास ब्लड है, हार्ट है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें। स्पॉन्जेस तो सबसे इनिशियल प्रोटोटाइप है एनिमल्स का, सबसे प्रिमिटिव एनिमल था, तो उनके पास नहीं था ब्लड ब्लड हार्ट वार्ट, उनको पास तो क्या था पता है आपको, हाउ डू दे सर्कुलेट देयर वाटर, हाउ डू दे सर्कुलेट थिंग्स इन देयर बॉडी, सिंपली पानी से। पानी आएगा जाएगा, वही चीजें यहाँ से लेके जाएगा, पानी ऑक्सीजन लेके जा रहा है, पानी न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, पानी खाने में मदद कर रहा है, जितना बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है। तो सर्कुलेशन के पास पानी है, और एग्जैक्टली क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम, जो आपको पता है कि तीन तरीके का हो सकता है, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन, सिंपल क्लियर। तो दैट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन। तो आई सपोज आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन क्लियर है। आखिरी इसके बाद सिस्टम आता है, एक आता है नर्वस, एक आता है रिप्रोडक्टिव। आइए नर्वस की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लाइंस हैं, आपको याद करने में बहुत मुश्किल होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। दैट वाज अ जोक, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में कुछ भी याद करने वाला नहीं है, बहुत सिंपल है, एब्सेंट है ही नहीं नर्वस सिस्टम। मतलब आप, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त में रिसर्च बेस बता रहा हूँ थोड़ी सी, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। स्पंजेस ने हमने क्या देखा है ना, कि स्पंज को मान लो आपका मन किया, आज आपने स्पंज में से छेड़ा, लाइक दिस, हाय स्पंज, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। नाउ स्पंज विल रिस्पॉन्ड, स्पंज विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, बट कब, 7, 8, 9, 10, 12 घंटे बाद। मतलब आप खड़े हो, देखते रहो, ठीक है, 6 घंटे बीतेंगे, 7 घंटे बीतेंगे, 8 घंटे, 9 घंटे, धीरे से हल्का सा उसके अंदर, बहुत ही माइंड सा उसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है। अब साइंटिस्ट कोशिश तो कर रहे हैं कि हम देखें कि कैसे ये रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या चल क्या रहा है, ठीक है ना, उससे केमिकल्स भी देखे देखे है ना, और भी चीजें करके देखे, लेकिन अभी कोई फाइनलाइज नहीं कर पाए कि हाँ ये वाले सेल्स हैं, ये कुछ इम्पल्स ला रहे हों या इसकी वजह से वो रिस्पॉन्स दे रहा हो, तब तक ऐसा कुछ हम डेसिफर नहीं कर पाए। और जब तक नहीं कर पाते, हमारे लिए आसान सिंपल होते हैं, नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट, सबसे आसान, नर्वस सिस्टम एब्सेंट, दैट्स अ सिंपल सिंपल फिनोमेना। तो नर्वस सिस्टम अभी इवॉल्व नहीं हुआ है इसके अंदर, स्पंजेस के अंदर। चलिए, तो ये हो गई फिजियोलॉजी इसकी। आगे आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। आगे कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ टर्म्स आपको बता देता हूं। एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। देखिए ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ये यहां पर रिप्रोडक्शन के टर्म्स में, ठीक है ना, ठीक है ना, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस में नहीं है, ठीक है ना, कि आई एम अ मैन, ठीक है ना, आई हैव सेक्सुअल प्रेफरेंस ओनली इन फीमेल्स, या आई एम अ फीमेल, आई हैव सेक्सुअल प्रेफरेंस ओनली मेल्स, तो मैं यूनिसेक्सुअल हूं। इफ आई हैव सेक्सुअल प्रेफरेंस इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, तो मैं बाइसेक्सुअल ही, वो वाला यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल नहीं, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, ऑर्गेनिज्म के खुद के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर उसके पास एक ही रिप्रोडक्टिव, एक ही तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो मेल या तो फीमेल, तो वो यूनिसेक्सुअल है, और अगर उसके पास दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो हम उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टर्म इस्तेमाल नहीं करता, क्यों, क्योंकि कई एनिमल्स ऐसे इनके पास ऑर्गन बने ही नहीं, अभी टिश्यू भी नहीं है, तो ऑर्गन कैसे आएंगे। तो आप टर्म्स का इस्तेमाल करोगे, गैमेट्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ मेल गैमेट बना रहा है, यानी मेल गैमेट बना रहा है, मैं गैमेट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो सिर्फ मेल गैमेट बना रहा है, या वो सिर्फ फीमेल गैमेट बना रहा है, तो वो यूनिसेक्सुअल है, और अगर वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों बना रहा है, तो वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। और हमारे जो स्पंजेस वो बाइसेक्सुअल में आ रहे, वो मेल गैमेट और वो फीमेल गैमेट दोनों बना रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वो बाइसेक्सुअल तो है, लेकिन वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे, उनके सीजन चलते हैं, कि मान लो ये सीजन चल रहा है स्पर्म बनाने का, तो एक स्पर्म सिर्फ स्पर्म बनाएगा, ठीक है,
अब मान लो सीजन खत्म हो गया, अगले सीजन में वो एग बनाएगा, फिर अगले सीजन में वो स्पर्म बनाएंगे, तो अल्टरनेटिव, एक सीजन में स्पर्म, एक सीजन में एग, इस सीजन में मैं मेल हूँ, अगले सीजन में फीमेल हूँ, फिर अगले सीजन में एक एक्ट लाइक मेल, अगले सीजन में एक्ट लाइक फीमेल, आर्य पर्सन, तो मेल फीमेल दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं सीजन सीजन बाय सीजन। और यही वजह है कि एक स्पॉन्ज खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, तो अगर खुद ही स्पर्म बना रहा होता, खुद ही एक बना रहा होता, खुद के स्पर्म से खुद को एक को फर्टिलाइज करता और नया स्पॉन्ज बना लेता, ठीक है ना, आत्मनिर्भर होता, ठीक है, लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर द स्पर्म्स, ठीक है, तो इट शोज ओनली एंड ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कैसे ये बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक स्पॉन्ज है और ये दूसरा स्पॉन्ज है, इन भाई साहब का सीजन चल रहा है, इन भाई साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका सीजन चल रहा है स्पर्म बनाने का, तो ये मेल की तरह काम करेगा, ये सिंबल मेल का है, क्या सिंबल है मेल का आपको बताना चाहिए, सर्कल नाइन एरो, ठीक है ना, ओके, और ये सिंबल फीमेल का, ये बहन की, ये फीमेल है, ठीक है, और सर्कल और प्लस, ये हो गया फीमेल का सिंबल, तो बहुत सिंपल है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब मेल जो स्पॉन्ज है, ठीक है, वो स्पर्म रिलीज करेगा, कैसे रिलीज करेगा भाई, उसके पास जो जर्म सेल होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ वाला जर्म सेल है, वो स्पर्म बनाएंगे और यहाँ पानी में रिलीज कर देंगे, ऑस्कुलम से जब पानी बाहर जाएगा तो ये स्पर्म यहाँ पर पानी में आ जाएगा, ठीक है, और ये बहन जी यहाँ पर ये एग लेके बैठी है, तो बहुत सारे एग है, ये एग है, ठीक है, और ये जो स्पर्म है ये यहाँ पर इसके ऑस्टियस अंदर जाएगा, और क्वानोसाइट, जो क्वानोसाइट है, जो सीरिया वाले सेल, लजरा वाले सेल है, ये बताएंगे कि स्पर्म को एग कहाँ है और एग के पास कैसे जाना है, तो एग के पास पहुंच जाएगा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, प्लूरोफाइट और फ्यूज कर जाएंगे, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। तो मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर होगी, पहला कि स्पर्म स्पंज क्या है, बाइसेक्सुअल है, दूसरा कि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत, पानी में रहते हो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो बताने की जरूरत है, फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसी है, क्रॉस, कोई पूछेगा सेल्फ क्यों नहीं है, क्योंकि स्पर्म और एग एक ही टाइम पे नहीं बनते, ठीक है ना, अच्छा फिर उसके अलावा और क्या है इसमें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, कोई पूछेगा इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ये हुआ अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्पंजेस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पंजेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या अपनाते हैं, बहुत सारे मेथड आपको बताया, रीजनरेशन, एक स्पंज को काट दो टुकड़ों में तो कटे हुए टुकड़े से नया स्पंज आ जाएगा, बडिंग, बडिंग दोनों तरीके की, एक्सटर्नल और इंटरनल, और एक्सटर्नल बडिंग आप जानते हो, आपने हाइड्रा में क्लास 10th में पढ़ी है, बस वही स्पंज के लिए कर लेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये स्पंज है, इसको एक फोड़ा हो गया है ना, बड़ छोटा सा फोड़ा ही होता है ना, एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती होती है, ये बड़ हो गई, ये बड़ थोड़ा सा ग्रो कर गई, क्या कर गई, ग्रो कर गई, कैसे करके अभी थोड़ा थोड़ा स्पॉन्ज के साथ रिसेंबल करने लगे, है ना, अभी बट बड़ी हो गई, अब इस लायक हो गई कि अकेले रह सकती है, अब जब लायक हो गई कि अकेले रह सकती है तो टूटी और टूट के अलग हो गई और फिर एक नया स्पॉन्ज बन गया, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है, एक छोटी सी फुंसी हुई जिसको हम बोल रहे हैं बड, फुंसी थोड़ी बड़ी हो गई, स्पॉन्ज की शक्ल हो गई उसकी, तो जब वो इस लायक हो गई अकेले रह सकती है, टूटी और अलग अलग रहने लगी, तो उसको हमने एक नया स्पॉन्ज बोल दिया, तो दैट इज काइंड ऑफ बडिंग, कैसी बडिंग है ये, एक्सटर्नल बडिंग है, बाहर की तरफ बडिंग हो रही है, कभी कभार बडिंग इंटरनल भी होती है, क्या होती है, इंटरनल,
अब इंटरनल बडिंग में क्या होता है, इंटरनल बडिंग बड़ा ही सिंपल है इसके अंदर। मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, कैसी कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल, तो सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में, इसमें अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, और मेनली फ्रेश वाटर रिस्पॉन्स, कौन से वाटर रिस्पॉन्स, फ्रेश वाटर रिस्पॉन्स, मैरिन वाटर नहीं, फ्रेश वाटर रिस्पॉन्स क्या करते हैं, मेनली अनफेवरेबल कंडीशन में छोटी सी बर्ड बना लेते हैं अंदर, इसका नाम है जेम्यूल। क्या नाम बोला हमने, जेम्यूल, और जेम्यूल इज एन इंटरनल बर्ड, कैसी बर्ड है, इंटरनल बर्ड, अंदर की तरफ एक बर्ड बना ली, इसका नाम क्या है, जेम्यूल है। क्यों बनाई, अनफेवरेबल कंडीशन आई है उस टाइम पे, इसने एक्सटर्नल बर्डिंग नहीं करी, कोई और रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म नहीं किया, बस अंदर क्या बना लिए, एक जेम्यूल नाम की बर्ड बना लिए। अब टाइम के साथ मैं ऊपर बिठा, हमने क्या बताया अभी तक, हमने बताया था कि एक स्पंज है, उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आई है, ये एक फ्रेश वाटर स्पंज है, मरीन वाटर स्पंज ऐसा नहीं करते, मोस्टली नहीं करते, साइकॉन को छोड़ के, साइकॉन इकलौता मरीन वाटर स्पंज है जो बर्ड बनाता है, इंटरनल बर्ड बनाता है, इसने जेम्यूल बना दिया है। ओके, अब जेम्यूल को अगर हम देखें, चलिए अभी आगे समझते, फिर इसने क्या किया, जब फेवरेबल कंडीशन आई, क्या आई, वापस फेवरेबल कंडीशन आई, जेम्यूल को रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, या पहले ही रिलीज कर दिया, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन दोनों में रिलीज कर सकता है, क्या अब रिलीज कर दिया पहले या फेवरेबल आने में, अब जैसे ही फेवरेबल एक्चुअल आ चुकी होंगी ना, बस इंपॉर्टेंट क्या, फेवरेबल कंडीशन जब आ चुकी होगी, जेम्यूल ग्रो कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ग्रो, और ग्रो करके ये नया स्पॉन्ज बन जाएगा, न्यू स्पॉन्ज, ग्रो करके क्या बन गया, नया स्पंज बन गया, सारी बात समझ में। तो जेम्यूल यानी इंटरनल बर्ड सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, मोस्टली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बनाते हैं इसको, एक्सेप्ट साइकॉन व्हिच इज अ मैरिन वाटर स्पॉन्ज, बट स्टिल शोस बडिंग, इंटरनल बडिंग, ठीक है, एक्सटर्नल बडिंग सारे स्पॉन्ज शो करेंगे, फ्रेश वाटर मरीन वाटर सारे स्पॉन्ज शो, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल की बात करो सिर्फ फ्रेश वाटर वाले शो करते हैं, ठीक है ना, जेम्यूल के फॉर्म में जेम्यूल को रिलीज कर देते हैं, उससे नया नया स्पंज बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जेम्यूल में ऐसा क्या है कि वो नया स्पंज बन रहा है, अब बात मैं समझाता हूँ, जेम्यूल का डायग्राम देखेंगे, आइए, जेम्यूल बहुत ही सिंपल है, जेम्यूल एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कांटे होते हैं, कांटे, और एक कांटे होते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है, और अंदर की तरफ ये बाहर एक ओपनिंग होगी, माइक्रो फाइल, माइक्रो मतलब छोटी, फाइल मतलब ओपनिंग, छोटी ओपनिंग होगी माइक्रो फाइल, और अंदर सेल्स होंगे गोल मटोल, और बेटा यही सेल्स जो इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं हम आर्कियोसाइट्स, और अभी अभी आपको आर्कियोसाइट्स पढ़ाया था मैंने, ये आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं, द टोटल इंपॉर्टेंट सेल्स, ठीक है, तो जेम्यूल जैसे ही बाहर आएगा ना, जैसे जेम्यूल यहाँ पर आया, जैसे फेवरेबल कंडीशन आई, ये आर्कियोसाइट्स बाहर निकल निकल के, बाहर निकल निकल के पूरे पूरे स्पॉन्ज को नया डेवलप करते हैं, आरी बात समझिए, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर्कियोसाइट्स इनसाइड अ जेम्यूल, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ जेम्यूल, ठीक है ना, जेम्यूल में कांटे हैं, मोनो स्पिक्यूल्स उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, माइक्रोफाइल एक ओपनिंग है जिसमें से आर्कियोसाइट्स बाहर आ सकते हैं, और क्या है, ऑरेंज ऑरेंज गोल गोल आर्कियोसाइट्स, तो फेवरेबल कंडीशन आती है, आर्कियोसाइट्स बाहर आते हैं और नया स्पंज बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्पंज सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, स्पंज एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पंजेस कि एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, नॉट जस्ट सेक्सुअली बट ऑल्सो एसेक्सुअली, क्लियर पॉइंट, आगे बात समझ में स्पंजेस के बारे में, किसी को कोई डाउट, एक पॉइंट और पढ़ाना है और फिर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अभी डाउट पूछ लीजिए फिर एक पॉइंट और बताएंगे, anybody any doubts, digestion, respiration, excretion, nervous और reproduction, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है ना, याद रखना sexually asexually दोनों reproduce करता है, sexual में ये bisexual है, cross fertilization है, internal fertilization है, और asexual में budding, regeneration, और हाँ एक और fragmentation भी करता है, fragmentation मतलब एक बड़ा सा स्पॉन्ज है और उसके फ्रेगमेंट टुकड़े हो गए, खुद से 10 टुकड़े हो गए और 10 टुकड़े नए ऑर्गेनिज्म में बन गए, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, खुद से हो तो फ्रेगमेंटेशन, कोई दूसरा करे तो रीजनरेशन, हालांकि सिमिलर ही टर्म्स है,
ठीक है क्लियर, किसी को कोई डाउट? ओके अब स्पॉन्ज की हड्डियों की बात करते हैं कि स्पॉन्ज को अंदर से सपोर्ट कौन करता है? स्पॉन्ज में एक और आगे स्पॉन्ज की जो क्लासिफिकेशन है, आपको पता है स्पॉन्ज पॉलीफेरिक फाइलम और फाइलम के अंदर क्लासेस होती है, तो स्पॉन्ज की जो क्लासिफिकेशन है, हालांकि पढ़ेंगे डिटेल में नहीं, लेकिन जो स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन एंडोस्केलेटन। अब देखिए स्पॉन्ज में आपको बताता हूँ तीन तरीके के आपको मिल जाएंगे, ये स्पॉन्ज, ये दूसरा स्पॉन्ज, ठीक है ओके, और ये तीसरा स्पॉन्ज। इन तीनों स्पॉन्ज में फर्क क्या होगा? हो सकता है एक स्पॉन्ज के अंदर कांटे हो, मतलब अंदर स्केल्डर है, स्केल्डर में क्या है कांटे हैं, और कांटे के साथ साथ फाइबर्स भी हैं, क्या है फाइबर्स, ओके तो क्या क्या है इसके पास, एक पेट्यूल है ठीक है ना, और पेट्यूल के साथ साथ फाइबर्स है, फाइबर्स नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्ज के फाइबर्स स्पॉन्जिन फाइबर्स, और स्पिक्यूल स्पेसिफिक है कैल्शियम कार्बोनेट के, इसके कैल्शियम कार्बोनेट के, या बोल सकते हो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, कैसे स्पिक्यूल्स, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, मतलब स्पिक्यूल किसके बने हुए, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, एक स्पॉन्ज आपको ऐसी किस कैटेगरी के मिले, दूसरे स्पॉन्ज आपको मिलेंगे स्पिक्यूल्स होंगे और फाइबर्स होंगे, मतलब कौन से फाइबर्स होंगे, मतलब एक तो फाइबर्स हो गए, फाइबर्स 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 नहीं, और साथ में जो स्पिक्यूल्स हैं वो सिलिका के बने हुए हैं, सिलेशियस स्पिक्यूल्स, सिलेशियस स्पिक्यूल्स, और स्पिक्यूल्स भी कैसे सिलेशियस तो है, लेकिन कैसे सिलेशियस स्पिक्यूल्स, एक बड़ी ही स्पेसिफिक कैटेगरी के, इस तरीके के जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एंड दो एंड, ये मैं जूम स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, दूसरा कांटा है ना, और ये तीसरा कांटा, तीन कांटे, और ये तीनों कांटे दोनों तरफ से पॉइंटेड हैं, तो तीन कांटे हैं तो होते हैं ट्राई एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन मतलब तीन कांटे और पॉइंटेड एंड कितने, पॉइंटेड एंड हो गए छह, एक दो तीन चार पांच छह, ट्राई एक्सॉन हेक्सा, हेक्सा एक्टिनेलिडा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ लास्ट में, ये एक्स्ट्रा के अंदर है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा के अंदर का मतलब ये पॉइंट्स आपको बस एक बार रीड करने हैं, माइंड में रखने हैं, रटना नहीं है, जितना याद रहता है उतना रखो, नहीं याद रहता भूल जाओ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट का ये मतलब है, याद रह रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कोई बहुत बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा उसमें, ठीक है, तो बस बस सुन लो, एक आइडिया होना चाहिए है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, याद आपको सिर्फ एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन कर लेंगे, और एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन आपको याद रहे उसके लिए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, तो मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट बताना, ताकि आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन रट्टा मार दो, ठीक है, क्योंकि वो रट्टा फिर रट्टा नहीं होगा, वो रट्टा समझा हुआ रट्टा होगा, वो समझा हुआ ही कहते हैं, ठीक है ना, तो बस ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो परेशान तो ना कि क्या ट्राइगोन आ गया, क्या एग्जैक्ट आ गया, एक ही दिन में सर ने बता नहीं कितने कितने वर्ड बता दिए, एक्स एक्स करंट कैनाल, आर्कियोसाइट्स, इन इन करंट कैनाल, ये अमीबोसाइट्स, ग्वानोडर्म, पिनाकोडर्म, ल्यूकोसोलेनिया, छत्तीस तरह के नाम बता दी, नॉट अ इशू, कोई बात नहीं है, दो तीन बार रीड करोगे हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल वाली बात, ठीक है ना, मुझे बिना देखे याद है तो आपको देख के तो आप दो तीन बार में याद हो जाएगा, तो इसके कुछ कैसे हैं, सिलिकन के बने हुए हैं, ठीक है, सिलेशियस हैं, बात साथ में क्या है फाइबर्स हैं, तो एक स्पॉन्ज इस तरीके के मिल जाएंगे आपको, और एक स्पॉन्ज कैसे मिलेंगे कि उसमें मैक्सिमम क्या रहेंगे, फाइबर्स ही रहेंगे, मैक्सिमम क्या रहेंगे फाइबर्स, मोस्टली फाइबर्स ही, और बीच बीच में कुछ हाथ एक हाथ स्पिक्यूल्स हो सकते हैं,
लेकिन वो स्पिक्यूल्स कभी भी ऐसे नहीं होंगे, ट्राइएक्सोन हेक्साएक्टिन एनिलिडन नहीं होंगे। वो स्पिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, या तो 8-pointed end वाले मोनो एक्सॉन या 2-pointed end वाले डाइएक्सॉन, है ना, टेट्राएक्टिनिलिडा, है ना, ऐसे होंगे। वो ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है इनके पास, इनके पास अफकोर्स स्पिक्यूल हो सकते हैं लेकिन कम ही होंगे, और वो भी सिलेशियस ही होंगे, और साथ में मेजोरिटी मेजर क्या रहेगा, मेजर रहेगा फाइबर्स। तो आपके तीन तरीके के स्पॉन्ज है, एक जिनमें मेजर फाइबर्स हैं और कुछ स्पिक्यूल्स, एक जिनके पास स्पेसिफिकली हेक्सा एक्टिनेलिडा स्पिक्यूल्स हैं और वो भी सिलिका के बने हुए विद सम फाइबर्स, और एक है कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स वाले। या आप इन शॉर्ट बोल सकते हो, एक कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स वाले, एक डोमिनेंटली सिलेशियस स्पिक्यूल्स वाले, और एक डोमिनेंटली फाइबर्स वाले। तो उनके एंडोस्केलेटन के ऊपर उनका क्या है, क्लासिफिकेशन है, और ये आपको याद रखना है। अब रही बात एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी के याद रख लेंगे। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो कौन कौन से है, साइफा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, साइफा यानी साइफा स्पॉन्ज ला, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। इसको बुलाते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये फ्रेश वाटर का स्पॉन्ज है। अभी एक एग्जाम्पल लिया था यूस्पंजिया बाथ स्पॉन्ज, यूस्पंजिया द बाथ स्पॉन्ज, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और एनसीईआरटी के दो और एग्जाम्पल है, कैलिना देख लेना अगर उसमें कैलिना है कि नहीं है, कैलिना द बोरिंग स्पॉन्ज, सॉरी नॉट कैलिना, क्लियोना, क्लियोना द बोरिंग स्पॉन्ज, ये बोर होने वाला बोरिंग नहीं है, ये ऐसे ऐसे दूसरे के शेल के अंदर बोर होने वाला बोरिंग है ना, बोरिंग स्पॉन्ज क्लियोना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है साइकॉन स्पंजिला, यूस्पंजिया, क्लियोना, कैलिना, ठीक है ना, ये डेड मैन फिंगर, ठीक है, डेड मैन फिंगर बोलते हैं इसको, इसकी शक्ल ऐसी होती है जैसे, या आप बोल सकते हो मरमेड ग्लव, मरमेड ग्लव बोलते हैं इसको, और अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना ये वाला टॉपिक आज यहाँ पर खत्म हो गया। सर आपने सबसे एंड में क्या लिखा है, ग्लव जैसा नजर आता है, चार पांच छह सात बहुत सारी उंगलियां बनी हुई है, और पानी में घर जाना, एनसीईआरटी आपकी 11th क्लास की, उसमें जो भी स्पॉन्जेस के बारे में रखा है पढ़ लेना, एग्जाम्पल रटा मार लेना, हो गया बस खत्म, और ज्यादा दिमाग नहीं डालना। सर वो एक चीज पूछनी है एनसीईआरटी में, सर मैंने इसमें लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर ये एब्सेंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इसका पॉलीफेरा का सर, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर एब्सेंट लिखा हुआ है, पीछे टेबल बनी हुई है सर। सर पेज नंबर 60 सर, नई वाली है, नई न्यू एडिशन है सर, सर टीएस पे लिखा हुआ है, टेबल बनी हुई है सर उसमें, तो उसमें टेबल लास्ट हाँ सर पेज नंबर 60। अरे भाई साहब वो पेज नंबर 60 छोड़ दो, ओके सर,
पेज लोग बता दो, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 पे आ जाओ, 4.2.1 फाइलम पॉलीफेरा, ठीक है? जी सर, जी सर। अब सुन सुन ध्यान से, ये इसमें नीचे से हाँ बीच में एक लाइन है, बहुत खास ही है। द दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूल गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। आगे सुन, आगे लिखो पॉलीसाइट्स और पॉलीपेप्टाइड्स, लाइंस ऑफ कॉन्डक्टिविटी एंड द कैनाल्स। नेक्स्ट लाइन, डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। जी सर, हाँ सर, देख लिया सर। ओके सर, हाँ ओके सर। तुमको एक बात और बताता हूँ, अब तुम्हें पूरा कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग। जी सर, अनुराग। हाँ, अब कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जो बाहर टेबल बनी हुई है वहां पे सिस्टम की बात की है, सिस्टम मतलब ऑर्गन सिस्टम। तो स्पॉन्जेस के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, डाइजेशन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेशन है, ठीक है? और ये बात सभी लोग याद रखेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जीना चाहता है उसके बेसिक चीजें वो करता है, वो डाइजेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, रिस्पॉन्स भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी सब करेगा। अब उसके लिए पास उसके लिए सेल्स हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फंक्शन जरूर होगा हर ऑर्गेनिज्म। जो सेकंड वाला आपने फिगर बनाया है उसमें कौन सा डोमिनेंट है, तो उसमें क्या चीज डोमिनेंट है? उसमें उसमें दोनों ही आप समझिए बराबर बराबर ही होते हैं, स्पिक्यूल्स भी होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं। बस स्पिक्यूल्स पहले तो सिलिकन के होते हैं, सिलेशियस होते हैं। दूसरा स्पिक्यूल्स स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं, ट्राई एग्जॉन मतलब तीन कांटे वाले और पॉइंटेड एंड्स छह होंगे, तो हेक्सा मतलब छह, एक्टिन एलेटा मतलब पॉइंटेड एंड्स, तो सिक्स पॉइंटेड एंड्स और तीन कांटे ट्राई एग्जॉन, ये उनका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है। Okay, इसलिए क्लास का नाम भी है हेक्सा, हेक्सा एक्टिन एलेटा ही क्लास का नाम है। इसका नाम है कैल्केरिया, इसका नाम है हेक्सा एक्टिन एलेटा, इसका क्लास है डेमोस्पॉन्जिया। क्लास का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं लिखवाया नहीं। याद रखना कि जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं जानबूझ के मैं चीजें ऑमिट करता हूं, ठीक है? एनी अदर डाउट? चलिए, आपको स्पॉन्जेस क्लियर है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट फाइलम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फाइलम का नाम है सील एंड ट्रेडा। अब सील एंड ट्रेडा एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा, मैं आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। सील एंड ट्रेडा ऑल्सो नोन एज नीड एरिया, ये इसका नाम है नीड एरिया, यहाँ सील एंड ट्रेडा, ठीक है? इसमें आएगा कौन कौन? इसमें आएगा एक तो ये हाइड्रा, कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है? तो हाइड्रा आ रहा है। और क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आएगा ये द जेलीफिश, ये है ओबिलिया, द सी फर, ये सी फर बुलाते हैं, और एक और प्यारा सा ऑर्गेनिज्म दैट इज सी एनिमा, ठीक है ना? तो सी एनिमॉल हो गया, क्या क्या हो गया? हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ऑबिलिया हो गया, सी एनिमॉल हो गया, ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको रहेंगे
फाइलम, सील एंड क्रेटा। अब इसके बेसिक फीचर्स मैं आपके साथ अभी के अभी डिस्कस कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम सीधा डाइजेशन रेस्पिरेशन बाकी चीजों पे चलेंगे। बेसिक फीचर्स मतलब ये भी एक्वाटिक है, स्पॉन्जेस की जैसे। हाँ जी सर, अनंता सैयद को आपसे कुछ पूछना है, उनका माइक वर्क नहीं कर रहा है तो उन्होंने कहा है। कोई बात नहीं, मैं क्लास खत्म करने से पहले ना सारे मैसेजेस पढ़ के सब सबके रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी मेरे को क्लास पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सिलेंट्रेट्स भी बाकी ऑर्गेनिज्म के और बाकी ऑर्गेनिज्म के जैसे स्पंजेस के जैसे एक्वाटिक, क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मान लेंगे। डिफरेंस कहा जाएगा कि इनके बारे में इनको प्रॉपरली बोल सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक, इनके अंदर आउटर एक्टोडर्म होती है, अंदर एंडोडर्म होती है, तो ये प्रॉपरली इसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। और एक्वाटिक को है ही बता दिया। अच्छा, सिमेट्री आपको पता है इनकी, रेडियल सिमेट्री दिख रही है, ये सिमेट्री है, द रेडियल सिमेट्री है इनकी, तो सिमेट्री इज रेडियल, ठीक है। और एक्वाटिक हो गए और डिप्लोब्लास्टिक हो गए, एंड ऑफकोर्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट्री होते हैं, क्योंकि उसमें मिक्सोरम तो होता नहीं है, तो सिलोमेट हो नहीं सकते, तो दे ऑल आर ए सिलोमेट्स, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो दैट इज अबाउट द रेडियल्स। इनके बारे में और क्या डिटेल्स हैं, ठीक है ना, कि डाइजेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इनके भाई के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज स्टेनोफोरा, ये दोनों फाइलम हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर आपके किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, वरना जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है। Ananta Sayyed, someone please tell me, I want to ask something. Sir, can check chat? My microphone is not working. Okay, thank you, Ronak. So, isme doubt kya hai? Ananta, apna doubt type kar do na, aise kaise pata chalega mujhe? My doubt kya hai? Anybody else with any other doubt? अरे नया स्टूडेंट कौन है क्लास में, कौन कौन नया है क्लास में जो पहली बार जूलॉजी की क्लास ले रहा होगा, वो कौन कौन है, कितने लोग हैं ऐसे जो पहली बार जूलॉजी क्लास में आए? Ananta Sayyed, what is porocyte? Porocyte बेटा जो पोर को पोर के अराउंड सेल होंगे ना उन्हें porocyte बोलते हैं, ऑस्ट्रिया के अराउंड सेल। ओके, वॉट इज porocyte अगेन? द सेम थिंग, सेल्स अराउंड द पोर्स या ऑस्ट्रिया। हाँ जी, कोई ऐसा था क्लास में जो आज पहली बार क्लास में आया हूं? चलिए, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं है, या आई सपोज चले कोई था जो चला गया है, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप अगर 45 पे आके बैठ जाएंगे तो क्लास 45 पे शुरू नहीं होगी, क्लास 4 बजे या 4:05 जो भी है, विदिन 10 मिनट्स या विदिन 7 मिनट्स आपकी क्लास शुरू हो जाया करती है। तो आप अगर 4 बजे क्लास में 3:30 बजे से आके बैठ रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं जहाँ पहले आकर आपने 4 डाउट पूछ लिए, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम से ही आइए और टाइम से ही जाइए, गुड फॉर यू, गुड फॉर एवरीबॉडी। चलिए, सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।